सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना पार्टी के सदस्य जो यहां पर इतना शोर मचा रहे, ये लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग 365 दिन में से 200 दिन और 250 दिन दिल्ली में रहते और ये दिल्ली से संबंधित विषय है, ये जो गांव में लोग रहते हैं उनसे संबंधित विषय है, जो गरीब लोग हैं उनसे संबंधित विषय है। मैं इन सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, ये तेलंगाना पार्टी आपके हाई कोर्ट की बात आप ये दिल्ली के विषय के बाद में रखिएगा, मगर दिल्ली में जब गरीब का आदमी का विषय चल रहा हो, जब किसान का विषय चल रहा हो, ये जो लोग दिल्ली का पानी पीते हैं, जो लोग दिल्ली में सांस लेते हैं, दिल्ली के विषय में ये दखल देते हैं, ये बात ठीक नहीं है। मैडम मैं सभी सदस्यों को दिल्ली की कहानी, ये जो विषय आज चल रहा है ये बताना चाहता हूं। अगर ये सदस्यों ने कभी सुना होगा कि 2006 में दिल्ली में सीलिंग शुरू हुई थी, जब दिल्ली में सारे शॉपिंग मॉल बनना शुरू हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी जिसने दिल्ली में सीलिंग करना शुरू किया, सारी शॉप्स सारी कॉलोनियां सील होने लग गई। उसके बाद में ये दिल्ली का स्पेशल प्रोविजन एक्ट आया, मगर आज भी पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में सीलिंग चल रही है। मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके इस बिल को एक्सटेंड करने की वजह से दिल्ली के लोगों को लाभ मिलेगा, उनको राहत मिलेगी और सीलिंग की कार्रवाई से उनको मुक्ति मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? दिल्ली में आज अगर एग्रीकल्चर लैंड में अगर हॉस्पिटल बना है, अगर स्कूल बना है, अगर फार्म हाउस बना है और अगर सरकार कहती है कि वो इलीगल है, तो ये आदमियों की कोई गलती नहीं है जिनके वो घर है मकान है, ये सरकार की गलती रही आज तक, जो दिल्ली में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, ये उसकी गलती रही कि वो आज तक कोई कानून नहीं बना पाई कि दिल्ली में 70 लाख लोग जो 1700 कॉलोनी में रहते हैं आज भी उनकी कॉलोनी ऑथराइज नहीं है। मैडम इनकी वजह से मुझे तेज बोलना पड़ रहा है, बोलो मैं सुन रही हूं। और अगर आप आराम से बोलो, और अगर किसी भी सदस्य का अगर बीपी बढ़ गया तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, इन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है आपको। मैडम आज दिल्ली में जो सरकार चल रही है, मुझे दो बहुत ही दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि आज उस सरकार को 3.25 साल दिल्ली में हो गए, आम आदमी पार्टी की सरकार को, और वो गरीब लोगों का वोट लेकर उनको सपने दिखाकर यहां तक गद्दी पर पहुंचे, मगर 3.25 साल में दिल्ली में एक भी कॉलोनी पास नहीं हुई, दिल्ली में एक भी गांव का लाल डोरा नहीं पड़ा, दिल्ली में एक भी झुग्गी वाले को मकान नहीं मिला। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है। अगर आज कल छतरपुर एरिया में सीलिंग हुई, दो दिन पहले डिफेंस कॉलोनी के मार्केट में सीलिंग हुई, सारे दिल्ली में लोग डर रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे, उनको लगता है कि कल मेरा नंबर आएगा, कल मेरी दुकान की सीलिंग हो जाएगी। मैं मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि इस कानून को पास करा के और दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए गांव का लाल डोरा बढ़ाने के लिए झुग्गी झोपड़ियों को मकान दिलाने के लिए वो सभी को हम इस बिल में इंक्लूड करें, उनको राहत दें, उनके लिए पॉलिसी बनाएं। कोई दिल्ली में स्लम पॉलिसी नहीं है, कोई दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी की पॉलिसी नहीं है। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैडम
2007 में जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, इन्होंने अनऑथराइज कॉलोनी के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे, मगर क्या दिल्ली में एक भी कॉलोनी पास हुई? ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि कॉलोनियों को पास करे, वहां पे विकास करे, उनको पानी दे, उनको बिजली दे, उनको सड़क दे, उनको वहां का सीवर दे, मगर दिल्ली सरकार इसमें फेल हो गई। आज दिल्ली सरकार की नाकामी से दिल्ली में सीलिंग की एक तलवार लोगों के ऊपर लटकी हुई है। मैं कल आपने सुना होगा, आज अखबारों में पढ़ा होगा कि दिल्ली में पानी का 30% दाम बढ़ गया। वो कॉलोनियां तो पास नहीं कर पाई, कॉलोनियों को सुविधा, गरीबों को सुविधा नहीं दे पाई, मगर पानी का बिल उन्होंने 30% बढ़ा दिया। और पूरे देश में बोलते हैं कि हम दिल्ली को मुफ्त में पानी देते हैं, ये झूठी सरकार दिल्ली में काम कर रही है। मैं भारत सरकार का, हमारे मंत्री जी, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 31 दिसंबर को जो ये एक्ट एक्सपायर हो रहा था, उन्होंने इसको बढ़ाकर 1 जनवरी 2020 तक दिल्ली को एक सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया है। उसके लिए मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। यही काम जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल था, वेंकैया नायडू जी दिल्ली के देश के शहरी विकास मंत्री थे, 2014 में वो ये बिल लेके आए थे। पहले बार उन्होंने 2014 में जब बिल लाए थे, उन्होंने पूरी दिल्ली को सुरक्षित किया था कि 2014 तक जो भी अनऑथराइज कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन है, जो भी गांव में कंस्ट्रक्शन है, उसको तोड़ा नहीं जाएगा। 2017 तक उसका टाइम था, मगर मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप दिल्ली सरकार को बुलाइए, आप एमसीटी को बुलाइए, आप डीडीए को बुलाइए, हम कब तक ये तारीख बढ़ाते रहेंगे? 2006 से लगातार आज 2017, 11 साल हमेशा तारीख बढ़ती जा रही है, कोई पॉलिसी नहीं बन रही। मैं सदन को बताना चाहता हूं, आज दिल्ली का 1 करोड़ लोग अगर वो अपना मकान बनाना चाहते हैं तो कोई बिल्डिंग बायलॉस नहीं है, कोई वो अपना नक्शा पास नहीं करा सकते। तो अगर वो नक्शा पास नहीं करा पाते, अगर कानून की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, तो वो अपना मकान बनाते हैं। जब मकान बनाते हैं तो वहां पर सरकारी लोग आते हैं, वो उनको पैसा देते हैं, वो सरकारी अधिकारी उनसे पैसा लेके जाते हैं, वो अपना मकान अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, अपनी वहां से रोजी रोटी कमाने के लिए बनाते हैं, क्योंकि दिल्ली में कोई पॉलिसी नहीं है मकान बनाने की। अनऑथराइज कॉलोनी में कोई पॉलिसी नहीं है, गांव में कोई पॉलिसी नहीं है, झुग्गी झोपड़ी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो गरीब आदमी ये सरकार की नाकामी की वजह से, दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से उसको पैसे देकर अपना मकान बनाना पड़ता है, झोपड़ा बनाना पड़ता है। और हमारी पॉलिसी ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जाकर वहां पे सीलिंग कर देती है। ये ठीक बात नहीं है, ये गरीब आदमी के साथ में नाइंसाफी है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, 2011 के एक्ट में क्लॉज 2 के सेक्शन 4 में ये कहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर एरिया विद इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज ऑन 8 फरवरी 2007 शैल बी मेंटेन्ड। मैं मंत्री जी से ये दरखास्त करना चाहता हूं कि वो उस तारीख को, वो 8 फरवरी 2007 की तारीख को बढ़ाकर वो भी 2014 तक अगर कर दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरा, मैं उनसे दरखास्त करना चाहता हूं कि वो जो अनऑथराइज कॉलोनी की डेट हमने 2014 रखी थी कि 2014 तक जो भी मकान बने हैं उनको तोड़ा नहीं जाएगा, तो वो इसी एक्ट में एक अमेंडमेंट करते हुए उस कट ऑफ डेट को अगर 2017 कर दें, ताकि अनऑथराइज कॉलोनी में और गांव में जो गोडाउन बने हैं, जो मकान बने हैं, जो स्कूल बने हैं, जो डिस्पेंसरी बनी है, उनको वो तोड़ने से बच जाएं। ये मैं मंत्री जी से दरखास्त करना चाहता हूं। और ये कांग्रेस के लोग केवल यहाँ पर सदन का समय खराब करने के लिए और दिल्ली को बर्बाद करने के लिए, और ये तेलंगाना पार्टी को भी मैं कहना चाहता हूँ,
आपका हाई कोर्ट का विषय आएगा तो हम भी आपको बोलने नहीं देंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।